हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी बाय शिप्रा सेन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी ढोकले की रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड आल्सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये देखिए, एक छन्नी ले लिया है हमने। हमें सबसे पहले बैटर बनाना है और ये ले लिया है मैंने बेसन। बेसन मैंने 2 बड़े कप लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हो तो आप वही ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी कटोरी या नाप, एक ही नाप यूज़ करें जिससे आप दही वगैरह भी इसमें ऐड करें। तो ये 2 कप है, इसे मैं अच्छे से छान लूँगी क्योंकि बेसन में अच्छे से हवा घुसना ज़रूरी है ढोकले के अच्छे बनने के लिए। बस इस तरीके से इसे छान लेती हूँ मैं। हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चीनी। ये मैंने लिया है 1 चम्मच चीनी, पाउडर भी ले सकते हैं मगर मैंने नॉर्मल ले लिया है। और ये हम लेंगे 1 चम्मच नमक, इसे आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ये लिया है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से अच्छा कलर आता है। अगर आपके ढोकले में आपको एकदम बाजार जैसा कलर चाहिए तो 1 पिंच आप फूड कलर डाल दीजिए। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट दही। इसी दही से हमारे ढोकले में एक अच्छी सी बॉडी आएगी, मतलब बहुत अच्छा सा ढोकला जालीदार बन के तैयार होगा। तो ये सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और ये दही घर की नॉर्मल खट्टी दही है, तो इसे मैं ले रही हूँ 1 कप। और मैंने इसी कप से 2 कप बेसन लिया था, तो आप अगर किसी कटोरी का नाप ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से दही भी लें। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस, इससे एक अच्छा सा खटास मिलेगा मिक्सचर को। अब हमें इन्हें मिक्स करना है आपस में। थोड़ा सा हम पहले दही के साथ मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी अभी बनाते हुए दिखाती हूँ। ये हमने दही के साथ इसे घोल लिया है। अब मैंने ये ले लिया है 1 कप पानी, और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। तो पहले मैंने 1/4 कप पानी डाला है और अब मैं बैटर को अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें कोशिश करनी है कि हम धीरे धीरे पानी ऐड करें ताकि कोई लम्स ना रहें। तो मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये देखिए, बैटर हमारा इस तरीके से 1/4 कप पानी में बन चुका है। अभी हमें इसमें से सारे लम्ब्स हटाने हैं, इसीलिए इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम फेटेंगे, इसमें बहुत सी हवा भर जाए इसलिए। तो मैं इसे 5 मिनट तक लगातार फेटूंगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एक टिप है जो परफेक्ट ढोकला के लिए हमें चाहिए। तो इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेट लीजिए एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखिए, लगभग 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से फेटा है और आप देख सकते हैं चीनी और नमक भी जो है हमारी अच्छे से घुल के ये बैटर को कितना अच्छा क्रीमी बना चुकी है। बस इसमें हमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करना है और फिर हमें इसे ढक करके रख देना है लगभग 1 घंटे, ताकि ये अच्छे से, मतलब जो भी है, तैयार हो जाए। और उसके बाद हमें इसमें बेकिंग से पहले एक और चीज़ ऐड करनी है जो मैं आपको 1 घंटे इसे रखने के बाद दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बता दूँ। अभी ये इस तरीके की है, हमें एक रिबन जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये मैंने 1/4 कप पहले ऐड किया था और अभी इसमें मैं 1/4 और, यानी टोटल मैंने 1/2 कप पानी लिया है। और अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा पानी जो है, जो हमने ऐड किया था, वो मिक्स हो चुका है बैटर में। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके की फ्लोइंग है। अब तो हमें एकदम इसी तरीके का बैटर चाहिए था। अब मैं इसे अच्छे से ढक करके रख दूंगी। कढ़ाई ले लिया है और इसमें लगभग मैंने 1/4 पानी डाल दिया है क्योंकि हमें ढोकले को बेक करना है। और इस तरीके से एक रैक डाल देंगे, एक स्टील का स्टैंड जो भी आपके पास हो हाइट बढ़ाने के लिए। अगर ना हो तो कोई कटोरी भी डाल सकते हैं आप पुरानी। और उसके बाद इसे ढक करके हमें गर्म होने देना है, अच्छे से खोलने देना है। तो फुल फ्लेम के ऊपर मैं इसे गर्म होने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें स्टीम करना है। ये इस तरीके का स्क्वायर टिन लिया है मैंने। मैं इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। आप सारे साइड्स में भी अच्छे से ऑयल लगाइए क्योंकि ढोकला जब हम स्टीम करेंगे तो आसानी से इससे निकल जाएगा। अगर आपके पास स्टील का कोई प्लेट हो गोल, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके का रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स के लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाके परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब चलिए ढोकले के बैटर को फाइनल टच देते हैं और फिर हम ढोकले का बैटर इसमें पोर करके उसे स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है। आप चाहें, आपके पास बहुत समय हो तो आप 1-2 घंटा ज्यादा भी रख सकते हैं। और ये अच्छे से फर्मेंटेट हो चुका है। अब इसे 1-2 बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी ये थोड़ा सेटल हो गया होगा वो अच्छे से हो जाएगा फिर से फ्लफी।
तो मैं इस तरीके से इसे मिक्स करती हूँ और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून एक नॉर्मल चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही में मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें जल्दी से इसे बेक होने के लिए रख देना है, यानी स्टीम होने के लिए रख देना है। तो ये अच्छे से हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे पोर करती हूँ अपने ग्रीस्ड टिन में और इसमें पोर करने के बाद हम इसे फटाफट से बेकिंग के लिए डालेंगे। अभी आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे बुलबुले उठने शुरू हो चुके हैं, तो ये बुलबुले ही हमारे ढोकले को अच्छे से राइज होने में हेल्प करेंगे। तो फटाफट से हमें पोर करके स्टीम करना है। देखिए सारा बैटर पोर करने के बाद इस तरीके से हम टैप कर लेंगे, जो भी एयर गैप्स या बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और अब मैं ये जो मैंने स्टीम करने के लिए रखा था पानी, ये आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मैंने स्टीम कर लिया है, बहुत बॉयल हो चुका है। तो फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे डालेंगे स्टीम होने। तो ये मैंने रख लिया है अपना डिश और अब इसे कवर करके हम बेक करेंगे 25 मिनट के लिए। 25 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ फिर इसे एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देखिए ढोकला कितने अच्छे से राइज हुआ है हमारा। मैं फ्लेम को अब बंद कर लेती हूँ और इसे हम इस तरीके से ये टूथपिक या वुडन स्टिक डाल के या किसी नाइफ वगैरह से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन आया है हमारा स्टिक, इसमें कुछ भी हमारा चिपचिपापन नहीं है। तो हमारा ढोकला रेडी है। अब मैं इसे ढक करके रहने दूंगी इसी तरीके से 20 मिनट और, ताकि ये अच्छे से फ्लेवर इसके सेटल हो जाए और उसके बाद हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले एक पैन और पैन में हमें डालना है ऑयल। तो कोई भी ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, मैं ले रही हूँ नॉर्मल रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून और बस इसे गर्म होने देंगे हम। तो तेल अब लगभग गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे राई। तो ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच काली वाली राई, इसे चिटकने देंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है अच्छे से, राई चिटक रही है। अब हम इसमें डाल देंगे हरे मिर्चे, फ्लेम को आप लो कर लीजिए। मैंने 2 मिर्चों को बीच से काट के लिया है, बाकी खड़े मिर्चे हैं। साथ में हम ये ले लेंगे कड़ी पत्ते, तो अच्छे से कड़ी पत्ता डाल देंगे, एक बार मिक्स करेंगे। हमें तड़के को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, तो इसीलिए हम अभी डाल देंगे हींग। ये मेरे लिए 1/2 चम्मच हींग और साथ ही में हमें इसमें डालना है पानी। तो ये मैं ले रही हूँ बड़े कटोरी पानी, ऐसे मैं 2 कटोरी पानी लूंगी। और ये डाल दिया मैंने 2 कटोरी पानी भी, यानी टोटल हमें 2 कटोरी पानी लगेगी इतनी रेसिपी के लिए। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है और इसे हम हल्का सा बॉयल होने देंगे। एक बार अच्छे से बॉयल होने से सारे फ्लेवर आपस में घुल जाएंगे और साथ ही में अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो ये मैं ले रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक कॉमन सॉल्ट। और अब हमें इसमें ऐड करनी है शुगर, तो ये मैं बड़े चम्मच से 5 बड़े चम्मच चीनी लूंगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 3। और ये 5 चम्मच चीनी ले ली हमने। अब अच्छे से हमें चीनी को घुलने देना है, तो इसे हम चलाते हुए एक बॉयल आने देंगे। ये अब अच्छे से तड़के में बॉयल आ चुका है लगभग 1-2 मिनट के अंदर ही। बस इसे हम अब फ्लेम को बंद करके रख देंगे और इसे हम गुनगुना रखेंगे जब हम इसे अपने ढोकला में ऐड करें। तो फ्लेम को मैं बंद करके इसे ढक के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट, जब तक ये गुनगुना रहे उतना गर्म। ये 15-20 मिनट मैंने ढक के रखा था, अब इसे निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा गर्म है लेकिन इतना ज्यादा भाप नहीं है इसमें। और ये तड़का भी हमारा गुनगुना है तो ऐसा ही चाहिए हमें। अब हम कट कर लेंगे अपने ढोकले के पीसेस को। सबसे पहले इस तरीके से नाइफ लेके थोड़ा सा हम साइड से इसको कर लेंगे इस तरीके से लूज, ताकि सारा ढोकला, वैसे आप देख सकते हैं ऑयल लगाने की वजह से ये ऑलरेडी साइड्स को छोड़ रहा है। अब बस हमें इसमें कट लगाना है। तो मैं अपने इस बर्तन के हिसाब से इसमें 3 बराबर कट्स लगा लेती हूँ। इसी तरीके से आप जो शेप चाहें आप उसमें कट कर सकते हैं। मेरे पीसेस स्क्वायर बना रही हूं मैं। और अब हम इसमें पोर करेंगे अपना तड़के का सिरप।
और बहुत आराम से हमें पोर करना है ताकि सारे अंदर तक जो है ये सिरप चला जाए। तो बस मैं इस तरीके से इस पे पोर कर लेती हूँ और आप देखिए थोड़ी देर के अंदर ये सारा सिरप जो है वो सोक हो जाएगा। देखिए अच्छे से सिरप मैंने अभी पोर कर लिया है और रिक्वायर्ड होगा तो हम पीसेस निकाल के भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके की एक छोटी सी करछी ले रही हूँ और आप देखिए ये ढोकले का पीस हमारा निकल चुका है। तो मैं इस तरीके से पहले इसे एक प्लेट में सारा तो ये देखिए मैंने टेस्टी अपने ढोकला को सर्व कर लिया है। कितना अच्छा जूसी और एकदम यमी सा बन के रेडी हुआ है, जैसा आप मार्केट से लाते हैं उससे भी हेल्दी और टेस्टी है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।